और बाहर ना इतनी ज्यादा भीड़ है कि बाहर पैर रखने की भी जगह नहीं है। जितने भी विंडो सीट है ना सबका सारे सीट भी हुए। और इसका जो टेस्ट है ना इतना गजब का है ना। हे यो व्हाट्स अप गाइस, आप सबको मेरा सलाम नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ जुनैद और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जय जर्नी। सो गाइस हमारी आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 02-36 सेट आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस में। ये ट्रेन डेली दोपहर को 1:15 पर आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है और अगले दिन सुबह को 8:15 पर हमें भागलपुर पहुँचाती है। और इस ट्रेन के 19 हॉल्ट है और ये ट्रेन 19 घंटे में लगभग 1208 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। और गाइस अभी घर में बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट स्टेशन के अंदर, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी से देख सकते हैं ये बारिश लगभग 10:30 बजे से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बाहर ना इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बाहर पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो मैं बाहर भीड़ भाड़ में रुकने से अच्छा डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे आ गया। और अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हैं रेड कलर का वही है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी हुई है। तो चलते हैं अपने कोच में और फिर मैं आपको अपने ट्रेन का इंटीरियर और सीट वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस ये रही अपनी ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी हुई है और अपना जो कोच है सामने S7। तो चलते हैं अपने सीट पे। तो गाइस ये रही अपनी सीट 71 नंबर साइड लोअर और पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा सीट भींगा हुआ है पानी से। तो क्या चलिए आपको मैं ट्रेन का इंटीरियर दिखा दूं। तो ये रहा सामने मिरर, मिरर छोटा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है। इधर 2 और इधर 1 चार्जिंग सॉकेट है वो चैन कूलिंग के लिए और इधर 3x3 का सीट अरेंजमेंट है। और सामने अपना बर्थ वो पूरा पानी से भींगा हुआ है। यहाँ पे भी जो नीचे वाला बर्थ है देख सकते हैं ये भी पानी से भींगा हुआ है, यहाँ तक पूरा पानी है और केबिन में भी पानी भरा हुआ है। जितने भी विंडो सीट है ना सबका सारे सीट भींगे हुए हैं और नीचे भी आपको पानी दिखता है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है पिछले 2 घंटे से और अपना सीट का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो अभी मैं इसे सबसे पहले साफ़ करता हूँ, इसको पानी जो जमा हुआ है ये इसको मैं भी साफ़ करता हूँ। तो क्या मैं अपने बर्थ को साफ़ कर रहा था फिर भी पानी नहीं ख़त्म हो रहा था, तो मैंने अपने बर्थ को ऊपर कर दिया और 2-3 घंटे मैं इसको ऐसे ही रखूँगा और जब ट्रेन चलेगी तो हवा से अपने आप सूख जाएगा। तो गाइस अभी घर में बज रहा है 2:01 और फाइनली बारिश रुक चुकी है। तो चलिए आपको मैं इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखा देता हूँ कि आज कौन सा लोकोमोटिव हमें यहाँ से लेकर भागलपुर तक लेकर जाएगी। तो गाइस ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव गाजियाबाद सेट का W7 है, लोको नंबर है 37225। अभी इसे अपनी ट्रेन के साथ कपल नहीं किया गया है, अभी थोड़ी देर जब कपल होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। और इस ट्रेन के कोच के बारे में बात करूं तो इसमें स्लीपर क्लास के 11, थर्ड एसी के 4, सेकेंड एसी के 1, सेकेंड कम फर्स्ट एसी के 1, एक पेंट्री कार है और 3 सीटर सीटिंग के कोच है और 1 पावर कार है। और इस ट्रेन के टोटल 3 रैक है और इसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस भागलपुर में होता है। और इसका तो लोकोमोटिव आपने देख लिया है, तो अभी 5 मिनट हमारे ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से यानी आनंद विहार टर्मिनल से इस ट्रेन का डिपार्चर। एक सैनिटाइजर दीजिएगा, सैनिटाइजर ये कितने का है? 50 रुपये। और बस सैनिटाइज़र नहीं था तो अपने पास सैनिटाइज़र नहीं था तो मैंने ले लिया यहाँ पे, 50 रुपये का पड़ा मुझे। तो गाइस अभी घर में बज रहा है 1:15 और वक्त हो चुका है हमारे ट्रेन का आनंद विहार टर्मिनल से खुलने का। डिपार्टर से पहले मैं आपको आनंद विहार टर्मिनल के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और कोविड से फिलहाल 103 ट्रेन है ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 48 ट्रेन ही ओरिजिनेट टर्मिनेट करती हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर।
अभी बज रहा है शाम के 4:30 और वक्त जो है हमारे स्नैक्स का, स्नैक्स में मैंने लिया ये दो समोसा, ये दो समोसा है और इधर एक चाय भी है। तो अभी मैं इसको टेस्ट बताता हूँ इधर टेस्ट कैसा है। तो पहले केचप जो है केचप डाल देता हूँ। समोसे का जो टेस्ट है ओके ओके है, मिला जुला के सही है। अब मैं आपको चाय का टेस्ट बताता हूँ। चाय का जो टेस्ट है ना बिल्कुल बकवास है। फिर भी जब इस पर 10 रुपये लगा दिए तो इसको पीना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट स्नैक्स ख़त्म करता हूँ और तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए। वेब 4 सामने वेब 7 हो रहा, सामने वंदे भारत एक्सप्रेस। तो लगभग 425 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB। यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 14 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पर 56 ट्रेनें ओरिजिनेट कर देती और 57 ट्रेनें टर्मिनेट और 650 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 326 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और कानपुर सेंट्रल इंडिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू ट्रेन फ्रिक्वेंसी। पहले 3रे नंबर पे था लेकिन अभी 3रे नंबर पे है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1930 में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1972 में। और कानपुर फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए और कानपुर में कानपुर का अपना एक इलेक्ट्रिक लोको सेट भी है। और हमारे ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे बिल्कुल राइट टाइम। तो चलिए जब ट्रेन यहाँ से खुलती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के वाशरूम में कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये रहा सामने मिरर, मिरर बहुत ही साफ सुथरा है और चकाचक है। ये रहा नीचे बेसिन, पानी आ रहा है यहाँ पे। ये नीचे डस्टबिन है और ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी डस्टबिन ही है। और ये गांधी जी का चित्र। तो चलते हैं टॉयलेट के अंदर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ विक्रम शिला के वाशरूम में और आप देख सकते हैं सामने मिरर है, मिरर बहुत ही बड़ा है और बहुत चकाचक और साफ सुथरा है। ये रहा नीचे बेसिन, बेसिन में पानी आ रहा है, इसके नीचे भी एक डस्टबिन है और साफ सफाई आप देख सकते हैं, साफ सफाई बहुत ही अच्छा है, ऊपर लाइट भी है। मिला जुला कर बोलूँ तो इस ट्रेन का जो वॉशरूम कंडीशन है बहुत ही बढ़िया है और आप देख सकते हैं इंटीरियर कितना फर्स्ट क्लास साफ सुथरा है, लाइट करता होगा। हाँ सिर्फ यहाँ पे एक मग नहीं है, बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो चलते हैं अपने सीट पे और वहाँ से जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जक्सा, जिसका स्टेशन कोड है DDU। यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और 23 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पर 21 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करते थे और 564 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 273 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1862 में और सर्टिफाइड किया गया था 1963 में। और इसका मतलब ये जो स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसका पुराना नाम था मुगल सराय। और यहीं पे पूरे एशिया का सबसे लंबा मार्शलिंग यार्ड है जो कि पर डे 1500 वैगन को हैंडल करता है। और गाइस अपनी जो ट्रेन है वो पहले स्टेशन है जियोनाथपुर, वहाँ पर लगभग 1.25 घंटा पहले आ गई थी, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट बिफोर लाया गया। मतलब हमारी ट्रेन का यहाँ पर आने का टाइम था 11:45, हम लोग यहाँ पे आए हैं लगभग 11:30, यानी सिर्फ 5 मिनट ही पहले। और गाइस पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अपना एक इलेक्ट्रिक लोको सेट भी है और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर वाराणसी है, आप वहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। तो हमारे ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल था, तो टाइम हो चुका है हमारे ट्रेन का यहाँ से खुलने का। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। और गाइस नींद बहुत जोर की आ रही है, आप देख सकते हैं मेरे आँखों में नींद, मतलब 12 बजने वाले हैं।
तो चलता हूँ अपने कोच में और फिर मैं आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाकर फिर मैं सो जाऊँगा। चलिए सबसे पहले आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ। और ये सामने रहा इंडियन आयल का पंप, जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं उसमें इसमें डीजल भरा जाता है यहाँ पे जो है। तो गाइज हमारे ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से डिपार्चर कर चुके हैं और हमारा जो अगला हॉल्ट है वो है पटना जंक्शन, जो रात के करीब 2:15 के करीब आएगी। तब तक मैं जगह नहीं रहूँगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने और मैं तो आपसे कल सुबह जहाँ भी मेरी आँख खुली पे वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। चलते हैं फिर सोने, तब तक के लिए गुड नाइट। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं क्यूल, जिसका डिस्टेंस कोड है KIUL। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और 9 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पर 19 ट्रेन है और जिन्हें टर्मिनेट कर देती और 284 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 119 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और क्यूल स्टेशन ओपन हुआ था 1862 में और ये स्टेशन आता है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर। और ये जो शहर है, मतलब ये स्टेशन है, ये क्यूल नदी के किनारे बसा हुआ है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं पूरे 55 मिनट बिफोर, यानी हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे यहाँ पर रुकने वाली है। एक चाय दे दी। तो गाइस जब भी सुबह का टाइम है तो एक चाय तो बनती है फ्रेशनेस के लिए, और ये चाय मैंने लिया है, 10 का चाय पड़ा मुझे। और इसका जो टेस्ट है ना, इतना गजब का है ना, आप कभी भी क्यूल पे आइए तो चाय जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे पटना एंड से पहला स्टॉल है इनका, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। और क्या गजब का चाय इनका, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। तो अभी अपने ट्रेन खुलने पर लगभग 30 मिनट है, तो चलते हैं अपने कोच में। फिर जब अपने ट्रेन यहाँ से खुलती है क्यूल से, तो फिर मैं अपने ट्रेन के यहाँ से भी पाचा देखा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अभयपुर, जिसका डेसन कोड है AHA। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 113 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 35 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन आता है मालदा डिवीजन के साहेबगंज लूप सेक्शन में, और अभयपुर जो जगह है वो आता है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। और अपने ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल राइट टाइम। तो जब 2 मिनट पर ट्रेन यहाँ से खुलती है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जमालपुर, जिसका डिस्टेंस कोड है JMP, और हम लोग यहाँ पहुँचे बिल्कुल राइट टाइम। जमालपुर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 32 ट्रेन और जिन्हें टर्मिनेट कर दी थी, और 102 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 48 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1862 में और इसे एक्टिफाइड किया गया था 2019 में।
और जमालपुर फेमस है जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप के लिए, जो कि एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्कशॉप है। और गाइस आपको मैं बता दूं कि फ्यूल के बाद जितने भी स्टेशन है उसे मैं पहली बार कवर कर रहा हूं। आप लोग बोल भी रहे थे कि भागलपुर तक विक्रमशिला को कवर कीजिए, तो मैं आ गया कवर करने के लिए। और साहिबगंज लूप में मेरा पहला ब्लॉग है ये, मैं पहली बार आया हूँ इधर। तो अब पे ट्रेन का टाइम हो चुका है यहाँ से खुलने का, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। तो गाइस अपने ट्रेन जमालपुर से निकल चुके हैं। और एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया, मतलब फ्यूल के बाद ना अपने स्टेट में चाहे 3000 या स्लीपर रिजर्व पैसेंजर वाले इतने ज़्यादा चढ़ गए ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, मतलब स्लीपर और 3AC दोनों जनरल जैसा हो गया। तो अभी थोड़ी देर में काली पहाड़ी यानी कि जमालपुर का बहुत ही फेमस टनल आने वाला है, तो चलिए आपको मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन सुल्तानगंज, जिसका डिस्टेशन कोड है SGG। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 4 ट्रैक्स। कोविड से पहले यहाँ पे 114 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 40 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और सुल्तानगंज आता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये जगह फेमस है अपने ग्रेनाइट पत्थर के लिए। और अपने ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं बिल्कुल राइट टाइम। और हाँ गाइस अपने ट्रेन यहाँ पर लगभग खाली हो चुकी है, तो चलते हैं अपने कोच में और फिर आपको दिखाता हूँ ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। वैसे भी सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है और सिग्नल भी हो चुका है और हॉकिंग भी हो चुका है, तो चलते हैं अपने कोच में। सुल्तानगंज में क्या क्या फेमस है? बहुत बोले तो यही गंगा घाट लेकर फेमस है। गंगा घाट जब भी ट्रेन सुल्तानगंज से निकल चुके हैं, और आप लोग में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं मास्क नहीं लगाता है। भाई ऐसा है नहीं, मैं मास्क लगाता हूँ। जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मास्क उतार लेता हूँ, ताकि मेरा और आपका जो आई कॉन्टैक्ट हो बहुत अच्छे से हो पाए और मेरा जो आवाज़ हो बिल्कुल क्लियर आप तक पहुँचे। तो इसी वजह से मैं बोलने टाइप कोई अच्छा जगह, मतलब जहाँ पर कोई ना हो ऐसी जगह चुन कर वहाँ पर जाता हूँ, फिर अपना मास्क नीचे करके फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि मैं आपको मास्क लगाने के लिए बोलता हूँ और मैं मास्क खुद भी नहीं लगाता। तो हमारा जो अगला हॉल्ट है अपना डेस्टिनेशन बोलिए वो है भागलपुर, तो चलिए आपसे मिलते हैं डायरेक्ट भागलपुर में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन सिल्क सिटी ऑफ बिहार भागलपुर, जिसका डेस्टिनेशन कोड है BGP। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और 7 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे 41 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर दी थी और 82 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 40 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1862 में
और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2019 में। और भागलपुर फेमस है अपने सिल्क इंडस्ट्री के लिए, यहाँ का जो सिल्क है ना विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और ये शहर बसा हुआ है गंगा नदी किनारे, और यहाँ के जो गंगा है ना आपको उसमें डॉल्फिन भी देखने को मिल जाएगा, डॉल्फिन मछली। और गाइस स्टेट के फेयर के बारे में बात करूँ तो आनंद विहार से लेकर भागलपुर के बीच स्टेट बस सीटिंग के रहा है 375 रुपये, स्लीपर क्लास का 575, थर्ड एसी का 1505, सेकेंड एसी का 2150 और फर्स्ट एसी का 3640 रुपये। और गाइस जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, कोच का जो कंडीशन था बहुत ही बढ़िया था, वॉशरूम भी बहुत ही साफ़ सुथरा था। और हाँ गाइस अगर आप स्टेट में जर्नी करते हैं तो आपको ट्रांसजेंडर और जो मांगने वाले लोग हैं सिर्फ वो आप बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। मुझे भी किया 3 बजे उठाकर मुझसे पैसे मांग रहे थे, आप ये बताओ। और लगभग 5-6 बार ट्रांसजेंडर लोग आए और मुगल सराय के बाद तो रात ही हो गई, सुबह में जब मैं उठा क्यूल में, क्यूल से लेकर और भागलपुर के बीच में बहुत सारे मांगने वाले लोग हैं, मतलब तंग आ गए जितने भी लोग थे। तो अभी चलते हैं स्टेशन के बाहर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगा जाता है कि नहीं, कोविड चेक किया जाता है कि नहीं। तो चलते हैं अभी स्टेशन के बाहर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, तो चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के बाहर, और जब मैं स्टेशन के बाहर आ रहा था तो ना ही मेरा कोविड चेक हुआ और ना ही मुझसे आरटीपीसीआर कोई रिपोर्ट, निगेटिव रिपोर्ट मांगी गई। तो ये था भागलपुर का हाल। तो चलते हैं, एक साथ अपनी वीडियो करते यहीं पर समाप्त, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहिए। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अगली जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।